हकूक और फराइज का पाबंद बनाने के लिए जो मुआहदा किया जाता है, ख्वा वो जबानी है या वो तहरीरी है, उसको एग्रीमेंट टू सेल कहा जाता है। एग्रीमेंट टू सेल के हवाले से बात आ जाती है कि कीमत की अदायगी के बारे में कुछ ज़रे बदल बयाने की सूरत में वसूल किया जाता है और बक्ता बकिया जो ज़रे समन है वो बवक्ते तकमील मुआहदा जो है वो अंजाम दिया जाता है। उसके बाद ज़रे बदल बाज़ुकात किस्तों में भी वसूल किया जा सकता है या लमसम भी अदा किया जा सकता है, के अंदर बाई पार्ट्स किया जाता है तो उसका लीगल कोई उसकी नेचर पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद यकमुश्त अदायगी भी हो सकती है, इस हवाले से जो है वो कोई ऐसा मामला नहीं है। लेकिन याद रखिएगा कि एग्रीमेंट टू सेल में फ्री कैन कती सूरत कुछ लिमिटेशंस के अंदर रहते हुए एग्रीमेंट करेंगे, कुछ शरायत वे एक दूसरे पर आयद नहीं कर सकते। मसलन ऐसी शरायत जो गैर कानूनी हैं, अगर ऐसी कोई स्टिपुलेशन कोई ऐसी शरायत वाजे कर दी जाती हैं तो वो एग्रीमेंट की नेचर को ही चेंज करके रख तसव्वुर किए जाएंगे। और ऐसी तमाम शरायत जो एग्रीमेंट टू सेल बाबत किसी इमोबल प्रॉपर्टी के किया जाता है और वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है तो वो भी नाजायज़ एग्रीमेंट टू सेल होगा। गैर अहलाकी किस्म की कोई प्रोविजन रख दी जाती है या हकूक की मकम्मल मुंतकली में कोई ऐसी शिक कोई ऐसी रुकावट डाल दी जाती है तो वो कती सूरत जो है वो किया गया है सेक्शन 54 में कि वो जो है एग्रीमेंट टू सेल जो है वो उस तरीके का से आएगा। यानी इट मींस के एग्रीमेंट टू सेल बाबत किसी गैर मनकूला जायदाद की एक ऐसा वादा है जिसमें ऐसी जायदाद की बै माबैन फ्रीकैन तयशुदा शरायत के साथ अमल में आती है। और देखिए कि एग्रीमेंट टू सेल की तकमील जो है वो सेल कंप्लीट होने से पहले वजूद सेल डीड की तकमील से पहले इकरारनामा बह जो है जिसको एग्रीमेंट टू सेल कहते हैं वो वजूद में आता है। उसमें जो दोनों फ्रीकैन हैं वेंडर और वेंडी दोनों अपने अपने राइट्स को डिटरमिन करते हैं और रायत रखते हैं और कंसिड्रेशन डिटरमिन करते हैं, जरे बदल जो है रकम जो है वो करते हैं और बयाना ले लिया जाता है। बाकी जो है जरे समन जो है उसके लिए डेट मुतय्यन कर दी जाती है। बाज़ औक़ात वो बजरिया अकसात होती है या बाज़ औक़ात वो यकमुश्त होती है, लीगल नेचर पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। उसके बाद याद रखिएगा प्रॉपर्टी जो सेल करना है एग्रीगेशंस कुछ जो ड्यूटीज हैं और कुछ लायबिलिटीज हैं जो कि कानून वाज़े कर देता है और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 इस चीज को वाज़े कर देता है कि जब भी कोई वेंडर अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करेगा मुंतकिल कनींदा जो है उसके कुछ लायबिलिटीज हैं, उसकी कुछ ड्यूटीज हैं। और इन ड्यूटीज और लायबिलिटीज को 1925 की एक लैंडमार्क जजमेंट है ऑल इंडिया रिपोर्टर ARNG पेज है 372 में इंटरप्रेट किया गया और ऑल इंडिया रिपोर्टर 1917 WOWBUR जो है पेज है 166 में इसको इंटरप्रेट किया गया। उसके बाद ऑल इंडिया रिपोर्टर 1950 कलकत्ता हाई कोर्ट पेज 338 जो है इस बात पे बड़े अच्छे अंदाज से देती है कि जो मुंतकिल कनींदा है प्रॉपर्टी को सेल कर रहा है वो जितनी भी उस जायदाद की जुमला खामियां हैं उसके बारे में मुश्तरी को बाखबर करेगा, खामियों से जो है आगाह करेगा। उसके बाद जायदाद से मुतलका जो भी दस्तावेजात हैं उसके कब्जे में वो पेश करेगा मुश्तरी को। और बाया पर अगर कोई सवाल किया जाता है उस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री के मुतलक, उस प्रॉपर्टी की नेचर के मुतलक, उस प्रॉपर्टी के किसी भी प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर ही इज लीगली बाउंड के वो दुरुस्त जवाब देगा।
उसके बाद जो भी शरायत हुई हैं उस शरायत के ऊपर उसको चलना है, और उस शरायत के मुताबिक ही जो वेंडर है उस पे फर्ज है कि वो अपने पार्ट के ऊपर जो चीजें हैं वो परफॉर्म, दूसरे ने जब पार्ट परफॉर्म कर दिया है तो उसको सेल डीड मुकम्मल कर दे, और हवालगी से पहले जायदाद और मुतलका दस्तावेजात जितनी भी हैं वो उनको अपने पास अमानत के तौर पर रखेगा। ये नहीं है कि आप सेल एग्रीमेंट तो सेल कर दिया है तो अब वो डॉक्यूमेंट्स या जो भी दस्तावेजात हैं उन वो जब सेल डीड होगी तो फिर सेल डीड के वक्त वो उसके हवाले करेगा। और अगर जायदाद के ऊपर किसी किस्म की कोई लायबिलिटी है, कोई बार है, फर्ज करें वो मॉर्टगेज, फर्ज करें कि उसके ऊपर कोई कर्ज लिया है, तो वो उस पे फर्ज है कि वो उसको अदा, वो अपना फर्ज अदा करते हुए क्या करेगा, फौरी तौर पे उसको वासे करेगा। उसके बाद याद रखिएगा कि जब बंदा अपनी प्रॉपर्टी की बाबत कोई लेन देन करता है तो जो खरीदार है उसने भी अपने पार्ट को परफॉर्म करना है, और कानून हमेशा से एक पार्टीज के ऊपर अगर ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज जब शराइत मुकर्रर की जा रही है तो दोनों पार्टीज पे ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज आ जाएंगी। इसी तरह से जो खरीदार है, जो मुश्तरी है, बायर है, उसके ऊपर भी कुछ ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज जो है वो कानून दे देता है। इस हवाले से ऑल इंडिया रिपोर्टर 1928 पीसी पेज 98 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद इस हवाले से आप 2011 CLC पेज 1723 को देख इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा कि जो भी मुश्तरी है, जो खरीदार है, उसको चाहिए कि वो जो शर्तें तय की गई हैं अपने परफॉर्म करते हुए, जो जरे बदल मुकर्रर किया गया है वो अदा करे और अपनी शराइत को, अपने पार्ट को परफॉर्म करे, और मुंतकली के बाद जायदाद के कुछ नुकसान को वो बर्दाश्त कर लेगा। सरकारी वाजिबात हैं, अगर मुंतकली पिछले घर फिर अब वो सैलर के पास नहीं जाएगा। और उसके बाद याद रखिएगा कि जहाँ तक सेक्शन 4 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का ताल्लुक, तो वो हमें वासे कर देता है कि एग्रीमेंट टू सेल की नेचर क्या है। लेकिन एक बात जहन रखिएगा कि मुआहदा बै एग्रीमेंट टू सेल की जो हसीयत है वो सेल डीड के बराबर नहीं है, क्योंकि जस्ट इट इज एन एग्रीमेंट टू सेल, यानी इसको फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के साथ नथी किया गया है, कुछ शराइत के साथ नथी किया गया है। और मुआहदा बै के साथ उस जायदाद में जिसको एग्रीमेंट टू सेल किया गया है उसकी बाबत किसी किस्म का कोई राइट्स, कोई लायबिलिटीज के साथ कोई टाइटल पैदा ही नहीं होता है। जब राइट नहीं है तो लायबिलिटी भी क्या, कोई हक हकूक ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, मुकम्मल नहीं हुई अभी। इस हवाले से 2011 CLC पेज 1412, PLD 2011 लाहौर हाई कोर्ट पेज 48, और 2011 MLD पेज 31 जो है वो आपको हेल्प आउट करेगा। और इस हवाले से याद रखिएगा कि PLD 2011 लाहौर हाई कोर्ट पेज 48B और 2017 CLC पेज 1348B और PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान पेज है 189K जो है वो इस बात को इंटरप्रेट कर देता है कि एग्रीमेंट टू सेल के साथ भाई किसी किस्म का कोई राइट, कोई टाइटल उस इमोबल प्रॉपर्टी में क्रिएट ही नहीं हो। उसके बाद एग्रीमेंट टू सेल हुआ और शरायत आपस में तय की गई हैं, और अगर पार्टीज आपस में शरायत पे राजी नहीं होती बाद में, और मुश्तरी बाया से
ब्याने की रकम वापस ले ले तो फिर एग्रीमेंट टू सेल जो है रिसेंड हो जाएगा और उस पे उस एग्रीमेंट टू सेल की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये बात ही थी 1991 MLD पेज 1093 में। और जहां तक मामला है एग्रीमेंट टू सेल करने का अख्तियार सिर्फ जमीन के हकीकी मालिक को होता है, कोई दीगर शख्स जो है उस मालिक की बिना पर कोई एग्रीमेंट टू सेल नहीं कर सकता है। अगर कोई दूसरा शख्स एग्रीमेंट टू सेल उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट करता है और उसको पता है कि वो एक्चुअल मालिक नहीं है तो फिर वो एग्रीमेंट टू सेल जो है वो प्रॉपर है ही नहीं, गैर कानून। हाले से 2015 CLC पेज 1433 जो है वो हमें इंटरप्रिटेशन प्रोवाइड कर दी है। लेकिन याद रखिएगा कि एग्रीमेंट टू सेल जब हो जाता है तो सेलर जो है उसकी मालकी खत्म नहीं हो जाती, क्योंकि सेलर उस वक्त तक उस प्रॉपर्टी का मालिक व काबिज है जब तक कि वो टोटल दूसरा बंदा अपने पार्ट को परफॉर्म कर देता है और वो देने के बाद उस जमीन को मुंतकिल कर देता है, डिस्पोज ऑफ कर देता है मुंतकिल करके, तो फिर वो मालिक नहीं रहता, अदरवाइज वो मालिक तसव्वुर होगा उस वक्त तक। इस बात को इंटरप्रेट किया गया था 2007 CLC पेज 1715 में। मामला है लीगल नेचर ऑफ एग्रीमेंट टू सेल की, तो याद रखिएगा कि एन एग्रीमेंट टू सेल पर से डस नॉट क्रिएट राइट्स इन फेवर ऑफ ए पार्टी, इट सिंपली gives him right for finalization and completion of the sale deed according to conditions that has been set by the between both the parties। इस बात की इंटरप्रिटेशन आप देखना चाहें CLJ पेज 173 में हमें इस बात को इंटरप्रिटेशन मिल जाती। जहां तक लीगल नेचर का सवाल पैदा होता है एग्रीमेंट टू सेल की, एग्रीमेंट टू सेल इज बेसिकली ए कॉन्ट्रैक्ट दैट सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी शुड टेक प्लेस ऑन टर्म्स सेटल्ड बिटवीन द पार्टीज, बट इट वुड नॉट बाय इटसेल्फ क्रिएट एनी इंटरेस्ट और राइट आर एनी टाइप ऑफ चार्ज ऑन सच प्रॉपर्टी। Basic legal nature of agreement to sell has been interpreted in 9 as 49। जहां तक मुआहदा बह के रिटर्न होने का ताल्लुक है तो मुआहदा बह कोई जरूरी नहीं है तहरीरी हो, सिर्फ और सिर्फ जो बेसिक है वो ये है कि कानून शहादत आर्डर 1984 आर्टिकल 79 की उस एग्रीमेंट की सेल का एग्रीमेंट टू सेल की तस्दीक गवाहान की होना लाजमी है। इस हवाले से आप मजीद कुछ जानना चाहें तो 2002 SCMR पेज 1089 जो है वो इस बात को इंटरप्रेट करता है। और ये केस जो है मसम्मत रशीदा बेगम वर्सेस मोहम्मद यूसुफ वगैरह, ये बुनियादी तौर पर बुनियादी केस है किसी एग्रीमेंट टू सेल की लीगल टेक्निकल प्रूफ के हवाले से, किस तरह से उसको प्रूफ करना है। याद रखिएगा कि एग्रीमेंट टू सेल का बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्लेंटिफ के ऊपर होगा उस वक्त तक जब तक के डिफेंडेंट पार्टी उस एग्रीमेंट टू सेल को मान ना ले, अदरवाइज प्लेंटिफ हैज टू प्रूव दैट एग्रीमेंट टू सेल। इस बात की मजीद अगर आपको इंटरप्रिटेशन चाहिए हो तो बुनियादी तौर पर 2006
पेज 315, 2003 SCMR पेज 327, SCMR पेज 530 और 1992 CLC पेज 1887, PLD 2011 कराची हाई कोर्ट पेज 24 और 1989 CLC पेज 238, PLD 1987 कराची हाई कोर्ट पेज 132 और PLD 1994 कराची हाई कोर्ट पेज 492 और 1999 YLR पेज 1094 जो है वो इस बात की इंटरप्रिटेशन देती है और वाजे कर देते हैं ये सारी सेक्शन 4 ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की के बुनियादी तौर पर कुछ अर्नेस्ट मनी दे के बयाने की रकम दे के उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को कुछ शरायत के साथ आप बांध लेते हैं, बुक कर लेते हैं। बाकी जरे समन किस्तों में भी हो सकता है और यकमुश्त भी हो सकता है। इस बात देखना चाहें PLD 1964 लाहौर हाई कोर्ट पेज 490 और PLJ 2015 सुप्रीम कोर्ट पेज जो है इस बात को इंटरप्रेट करता है। अब बात आ जाती है कि बाज सूरत हाल में हम लोग तय कर लेते हैं शरायत मुआहदा बह को। जब शरायत मुआहदा बह एक दूसरे के साथ हम तय कर लेते हैं, उसमें लिखा जाता है कि अगर जो बायर है वो अपनी शरायत को पूरा नहीं करता तो उसका बयाना जब्त होगा और सौदा मंसूख होगा। बयाना एक सिक्योरिटी है और अगर जरे समन नहीं दिया गया तो जरे बयाना जो है वो जब्त भी हो सकता है। और याद रखिएगा कि अगर उस शरायत के मुताबिक बयाना जब्त होना बनता है तो वो कानूनी प्रोविजन है, उसमें कोई गैर कानूनीयत नहीं है। इस बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन देखना चाहें तो PLD 2011 है सुप्रीम कोर्ट पेज 119, 2011 SCMR पेज 1009, PLD 1950 लाहौर हाई कोर्ट पेज 42 और 2010 SCMR पेज 1507 में इस बात को इंटरप्रेट किया गया था। उसके बाद याद रखिएगा कि एग्रीमेंट टू सेल की बिना पर कभी भी डेक्लेरेटरी सूट नहीं हो सकता, राइट नहीं है, फिर डेक्लेरेशन ऑफ राइट का कोई जवाब ही नहीं बनता। सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ डेट स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू सेल जो है वो आप देंगे कोर्ट में सूट की सूरत में और बर्डन ऑफ प्रूफ बतौर मदई आप पे होगा। इस हवाले से PLJ 2015 इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेज 330, 2016 YLR पेज 612 और 2002 CLC पेज 361 जो है इस बात की इंटरप्रिटेशन कर दी है। अब इस बात पे मजीद जो मामला अगर हम देखें तो बाज़ औक़ात शरायत तय करते हुए हम लिखते हैं कि टाइम मुद्दत के फलां मुद्दत तक जरे किस्तों की सूरत में या यकमुश्त। तो याद रखिएगा टाइम इज द एसेंस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, यानी जब मुआहदा बय हुआ है जो वक्त मुकर्रर किया गया है उस मुकर्रा मुद्दत के अंदर अंदर अपनी शरायत को पूरा करना है, बाहर नहीं। अगर कॉन्सिक्वेंसेस मेंशन कर दिए हैं उन शरायत के अंदर कि अगर फलां तारीख तक बायर ने सेलर को जरे ना किया तो बयाना जब्त होगा और मंसूख होगा, तो उसमें टाइम फैक्टर आ जाएगा। अगर नतायज कॉन्सिक्वेंसेस हैज बीन मेंशन्ड इन दैट स्पेसिफिक एग्रीमेंट टू सेल देन टाइम विल बी द एसेंस ऑफ दैट एग्रीमेंट टू सेल। और तमाम केसेस के हालात वाकया तमाम एग्रीमेंट्स के जो सरकमस्टांसेस हैं हालात वाकयात हैं उनके मुताबिक इस बात को डिटरमिन। इस बात पे बारह दफा
इस टेक्निकलिटी पे बहस हो की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और पिछले दिनों कुशावाला में कोर्ट में इस बात पे एक मोजस बार मेंबर बहस कर रहे थे, मैं पीछे खड़ा सुन रहा था जी, सीखता रहता हूँ। तो उस हवाले से PLD 9 सुप्रीम कोर्ट पेज 344 और PLD 2014 सुप्रीम कोर्ट पेज 50 और 2014 SCMR पेज 436, 2010 SCMR पेज 334 जो है वो वाजे कर देती है कि अगर एग्रीमेंट टू सेल में नता की गई है देन टाइम जो है वो उस एग्रीमेंट टू सेल का इसेंस होगा। अब एग्रीमेंट टू सेल के मुख्तलिफ जो लीगल आस्पेक्ट्स हैं, लीगल टेक्निकलिटीज हैं, उस पे इंशाल्लाह हमारी गपशप जो है वो चलती रहेगी। दवाओं में मुझे याद रखिएगा, अल्लाह बाद में बात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।